नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है। जीवन में पूर्णता और अजर अमर होने के लिए व्यक्ति सदियों से ललायत रहा है। उसकी एक ही आकांक्षा रही है कि वह किसी भी प्रकार से अपने जीवन को व्यवस्थित बनाकर बुढ़ापे को रोक सके। यही नहीं, अपितु उसकी इच्छा हमेशा हमेशा के लिए अमर बने रहने की रही है, और इसके लिए उसने मंत्र तंत्र, औषधियों, कायाकल्प और अन्य कई प्रकारों के प्रयोगों को आजमाया है, पर हर बार उसे असफलता ही मिली है। पर अब जाकर उसने उस अमृत को खोज निकाला है जिसके माध्यम से व्यक्ति मृत्यु को परे धकेलने में समर्थ हो सका है, जिसके कारण वह बुढ़ापे को रोककर जीवन में पूर्णता प्राप्त करने में सफल हो सका है। और ये कर दिखाया है स्वामी अरविंद जी ने। स्वामी अरविंद जी ने कैसे इस अमृत को खोजा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद गोस्वामी। आदिकाल से मनुष्य की यह जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा रही है कि वह अपनी वृद्धावस्था को रोककर किसी प्रकार से स्वस्थ रहता हुआ दीर्घजीवी और अमर बना रह सके। इसके लिए उसने अपने ऊपर सैकड़ों प्रयोग किए। पुराणों में वर्णित देवताओं और दानवों का युद्ध स्पष्ट है कि समुद्र मंथन के बाद जब उसमें से अमृत निकला तो उसे पीकर अजर अमर होने के लिए उन दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवता विजयी हुए और अमृत पीकर हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने मृत्यु को परे धकेल दिया। इसके बाद उस अमृत तत्व की खोज हम भूल गए। पुराण काल में युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि क्या अमृत जैसा तत्व विद्यमान है जिससे कि मैं अपने भाइयों को अमरत्व प्रदान कर सकूं, परंतु उनकी यह खोज अधूरी ही रही। इसके बाद भी आदमी चुपचाप शांत होकर बैठ नहीं पाया, अपितु निरंतर उसकी खोज इस अनुपम तत्व को ढूंढने में लगी रही, और इस खोज में उसे सैकड़ों बार असफलताएं भी प्राप्त हुई। जिस समय बालक जन्म लेता है तो नवीनतम शोधों के अनुसार वह जितना समय जवान होने में लगाता है लगभग उससे चौगुनी आयु उसकी होती है। पहले 25 वर्ष के बालक को जवान माना जाता था और उसकी आयु 100 वर्ष बनी रहती थी, परंतु आज अन्य साधनों के माध्यम से बालक 15-16 वर्ष की आयु में ही जवान बन जाता है, इसीलिए उसकी आयु 60 या 70 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो पाती। यह जवानी धीरे धीरे बुढ़ापे में परिवर्तित होती रहती है और यही बुढ़ापा आगे चलकर मृत्यु का रूप धारण कर लेता है। शरीर तत्व के शोधकर्ताओं के अनुसार बुढ़ापा आने के 3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हमारे शरीर में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, परंतु उस परिवर्तन का हमारी कार्यक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बालों का सफ़ेद हो जाना, चेहरे पर या शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाना आदि। दूसरा परिवर्तन समय के साथ साथ अनिवार्य रूप से शरीर के अंगों पर पड़ता है। ज्यो ज्यो आयु बढ़ती है त्यों त्यों फेफड़ों व गुर्दों की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है। युवावस्था की अपेक्षा 60 वर्ष की अवस्था में इन दोनों अंगों की कार्यक्षमता में लगभग 50% न्यूनता आ जाती है। रक्तचाप लगभग 20% बढ़ जाता है और प्रतिदिन मस्तिष्क की कोशिकाओं में गिरावट आने लगती है। इन कोशिकाओं की गिरावट ही व्यक्ति को मृत्यु में परिवर्तित कर देती है। तीसरा परिवर्तन हमारे खान पान, रहन सहन, वातावरण आदि के प्रभाव से हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जैसा पदार्थ एकत्र होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी रक्तवाहक नलिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं और उनका लचीलापन समाप्त हो जाता है। इनके संकुचित होने से इनकी आंतरिक चौड़ाई कम हो जाती है, फलस्वरूप शरीर के सभी अंगों में पूरी तरह से रक्त संचार नहीं हो पाता और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पहले दो परिवर्तनों पर तो हमारा अधिकार नहीं है, परंतु यदि हम प्रयत्न करें तो तीसरे प्रकार के परिवर्तन पर नियंत्रण कर सकते हैं। खान पान, वातावरण आदि में सुधार करके हम मनोवांछित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी धारणा को लेकर फ्रांस के विख्यात डॉक्टर एडवर्ड ब्राउन सेफॉर्ड ने
ज्ञात किया कि समय के साथ साथ व्यक्ति में पौरुष तत्व की कमी हो जाती है और इस तत्व की न्यूनता ही व्यक्ति को मृत्यु के मुख में धकेल देती है। इसके लिए उसने जानवरों के अंडकोश से रस निकालकर एक अर्क तैयार किया और अपने शरीर में उस अर्क को पहुंचा दिया। उस समय डॉक्टर ब्राउन की अवस्था 72 वर्ष की थी। डॉक्टर ने 2 दिन के अंदर ही महसूस किया कि उनके सिर के बाल स्वतः काले होने लगे हैं और झुर्रियाँ मिटने लगी हैं। पहले डॉक्टर ब्राउन छड़ी की सहायता से चलते थे, पर अब इस इंजेक्शन के बाद वे बिना छड़ी की सहायता से सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने लग गए। उनके चेहरे और शरीर पर आश्चर्यजनक परिवर्तन और प्रभाव दिखाई देने लगे। डॉक्टर ब्राउन की इस खोज से पूरे संसार में तहलका मच गया और ऊंचे से ऊंचे राजनेता और करोड़पति इस प्रकार का इंजेक्शन लेने लगे। परंतु यह उम्मीद भी बेकार साबित हुई, क्योंकि इसका असर बहुत थोड़े समय तक रहा। कुछ समय तक तो जवानी के लक्षण दिखाई देते रहे, परंतु साल भर के भीतर भीतर तेजी से शरीर का क्षरण होने लगा। कुछ वर्षों बाद डॉक्टर ब्राउन की भी मृत्यु हो गई। आज भी यह दवा टेस्टोस्टेरोन के रूप में हर जगह आसानी से मिलती है। इसके बाद रोमानिया की डॉक्टर एना ने सन 1950 में HE नामक एक ऐसे पदार्थ का प्रयोग प्रारंभ किया जिससे वृद्ध व्यक्ति पूर्णतः जवान बन सके। यह दवा पूरे संसार में सर्वाधिक विख्यात हुई और डॉक्टर एना से कायाकल्प करवाने वाले में चीन के चेयरमैन माओ, रूस के क्रुश्चेव आदि कई नाम सम्मिलित हैं जिन्होंने इस दवा के माध्यम से कायाकल्प करवाया। हकीकत में यह दवा भी बेअसर रही, क्योंकि HE वास्तव में प्रोकेन पदार्थ का ही रूप था। यह प्रोकेन प्रोटीन में घुलनशील होने की वजह से झुर्रियों को मिटा देता था और शरीर में एक विशेष जोश तथा उमंग पैदा कर देता था। परंतु इसका प्रभाव भी कुछ समय तक ही रहता है और आगे चलकर इसके दुष्परिणाम यह होते हैं कि व्यक्ति उतनी ही तीव्रता से पुनः क्षरण की ओर अग्रसर होने लगता है। यह दवा भी वैज्ञानिक कसौटी पर टिक नहीं पाई। उन्हीं दिनों स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर पाल हियेंस ने शरीर के नवीकरण के लिए एक सर्वथा नई विधि अपनाई। उसने पशुओं की कोशिकाओं को लेकर अधेड़ व्यक्तियों के शरीर में समाहित करने की कोशिश की। इससे कुछ दिन के लिए आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए और महीने दो महीने के लिए तो ऐसा लगा जैसे वह 60 साल का व्यक्ति 25 वर्ष की अवस्था में पहुंच गया हो। परंतु उसका प्रभाव महीने दो महीने से ज़्यादा नहीं रहा और व्यक्ति तीव्रता से पुनः वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लग गया। प्रभु ने हमारे शरीर का निर्माण इस प्रकार से किया है कि वह अन्य पशु या मनुष्य की कोशिकाओं को अपने साथ समाहित नहीं करता, इसीलिए यह प्रयोग सर्वथा असफल रहा। पिछले 10 वर्षों में डॉक्टर जार्विक ने सर्वदा एक नया प्रयोग किया और इसमें कुछ सफलता भी मिली। डॉक्टर जार्विक के अनुसार हम कृत्रिम अंग बनाने में सक्षम हैं और हमारे शरीर के जो अंग घिस गए हों उनको फेंक कर नए अंग लगा दें। इस प्रयास में डॉक्टर ने गुर्दे, किडनी, धमनियां और नकली हृदय लगाकर मनुष्य को यौवन संपन्न बनाने का प्रयास किया। परंतु डॉक्टर जार्विक भी इसमें सफलता नहीं पा सके, क्योंकि अन्य अंग तो वह लगा सकता है परंतु मानव मस्तिष्क का क्या होगा जो विचार, भाव, चेतना आदि का केंद्र है। इसमें बिल्कुल सफलता न मिल पाने के कारण डॉक्टर जार्विक को अपना प्रयास अधूरा ही छोड़ना पड़ा। जब सभी प्रकार के वैज्ञानिकों को निराशा हाथ लगी तो वे पुनः पुरातनता की ओर देखने लगे और आयुर्वेद की तरफ उन्होंने ध्यान दिया, जिसमें कायाकल्प करने और मनुष्य को अमर बनाने के प्रयोग दिए हुए हैं। इन प्रयोगों में से एक आंवले का प्रयोग है। आयुर्वेद के अनुसार यदि व्यक्ति नित्य आंवले का सेवन करे तो बुढ़ापा आ ही नहीं सकता। कुछ वैज्ञानिकों ने आंवले का सत्व निकालकर मानव रक्त में पहुंचाने का प्रयास किया। इससे क्षणिक सफलता अवश्य मिली, परंतु जो मनोवांछित परिणाम वे चाहते थे वह प्राप्त नहीं कर सके।
इस समस्या का समाधान वैज्ञानिकों के पास तो नहीं, परंतु कई योगियों के पास अवश्य है, जिससे वे मानव का कायाकल्प करने में सक्षम हैं, साथ ही साथ उनमें अमरत्व प्रदान करने की भी शक्ति है। पिछले दिनों गंगोत्री से आगे गोमुख स्थान पर हिमालय के उच्चतम योगियों का सम्मेलन हुआ था और कायाकल्प तथा अमरत्व से संबंधित औषधि के बारे में गंभीरता से विचार विमर्श हुआ। इस सम्मेलन की आवश्यकता इसलिए अनुभव हुई कि हिमालय में ऐसी कई वनस्पतियां हैं जो मनुष्य को अमर बनाने में पूर्ण रूप से सहायक हैं, परंतु अनजाने में ही जिस प्रकार से अंधाधुंध हिमालय के जंगलों की कटाई हो रही है, उससे इन वनस्पतियों की सुरक्षा आवश्यक हो गई है। इसी खतरे को भांपते हुए आज से 7-8 वर्ष पहले ही पूज्य गुरुदेव के निर्देश से नैनीताल के आगे एक स्थान पर 2 मील लंबा चौड़ा एक फार्म खरीदा गया और अथक प्रयासों से इस फार्म में पूरे हिमालय की उन दुर्लभ जड़ी बूटियों को पैदा करने की या उगाने की योजना तैयार की गई, जिससे कि ये दुर्लभ जड़ी बूटियाँ समाप्त न हो सके। इस फार्म में 64 दिव्य औषधियों को तो उगाया ही गया है, मयूरकंद, तेलियाकंद, अश्वत्थ, अशोक और कल्पवृक्ष जैसे पौधे भी उगाए गए हैं और सफलता से ये पौधे इस जमीन में बढ़े भी। आज यह फार्म पूरे संसार का अद्वितीय फार्म है। पूरे हिमालय में पाई जाने वाली विशिष्ट औषधियाँ पौधे और पेड़ों के रूप में यहाँ सहजता से प्राप्त हैं। इन्हीं पौधों में एक पौधा अमृतवल्ली है, जिसे आयुर्वेद के ग्रंथों में अमृत के नाम से पुकारा गया है। धन्वंतरी ने अपने ग्रंथ में इस पौधे की प्रशंसा करते हुए बताया है कि इसके रस के सेवन से न तो बुढ़ापा आ सकता है और न व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। पिछले वर्षों से इस पौधे की खोज हो रही है। कुछ योगियों ने इस पौधे को ढूंढ निकालने का दावा भी किया, परंतु परीक्षण करने पर वह दावा सर्वथा खोखला और बेमानी निकला। यह पौधा लगभग 5 फीट ऊंचा और 2 फीट चौड़ा होता है। इसकी पत्तियां नीम की पत्तियों के समान लंबी और कोणदार होती हैं। एक डाली पर लगभग 16 फूल उगते हैं। दिन को ये फूल बंद रहते हैं, परंतु ज्यों ही चंद्रमा खिलता है ये फूल खिल जाते हैं। चंद्रमा जिधर घूमता है ये फूल भी उधर घूमते रहते हैं। एक फूल में 16 बीज होते हैं। इन बीजों की विशेषता यह है कि यदि फूल से बीज को अलग कर दिया जाए और हथेली में उस बीज को रखा जाए तो 5 मिनट के अंदर अंदर उसमें से रस निकलने लगता है। यह बीज स्वतः घुलकर रस रूप में परिणत हो जाता है, परंतु यह क्रिया चंद्रमा की साक्षी में ही संभव है। दिन को यदि यह बीज हथेली पर रखा जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नागार्जुन ने अपने ग्रंथ में इस पौधे का वर्णन किया है और बताया है कि स्वतः बीज से निकलते हुए रस को यदि व्यक्ति सेवन करे तो उसका कायाकल्प अवश्यम भावी है। हम बड़ी कठिनाई से इस पौधे को फार्म में परिस्थापित कर सके, परंतु इसका परीक्षण जब एक 80 साल के वृद्ध पर किया गया तो उसके आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। हथेली पर कुछ बीजों को पूर्णमासी की रात को रख दिया तो चंद्रमा की किरणों से आलपावित होकर ये बीज स्वतः ही रस में परिणत हो गए। वह रस वृद्ध व्यक्ति को सेवन कराया गया। तीसरे दिन उसके शरीर के सारे बाल काले रंग में बदलने लगे और 15 दिन के बाद जो वृद्ध हाँफता हुआ एक फरलांग भी नहीं चल सकता था, वह दौड़ता हुआ 5 मील की दूरी को पार कर गया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि समय बीतने के साथ साथ उसके प्रभाव में कोई न्यूनता नहीं आई, अपितु उस 80 साल के वृद्ध में वही जोश, वही उमंग और वही उत्साह बना रहा। एक मरणासन्न व्यक्ति को मात्र आधा चम्मच यह रस दिया गया तो वह पुनः जीवन प्राप्त कर सका और 6 महीने बीतने के बाद भी वह उतना ही स्वस्थ, निरोग, प्रसन्नचित है। आधुनिक युग में अमृतवल्ली के प्रामाणिक खोज एक आश्चर्यजनक वरदान के रूप में सामने आई है। यद्यपि अभी तक यह दावा तो नहीं किया जा सकता कि इसके सेवन से व्यक्ति मरा नहीं है, पर हमने 6 वृद्धत्म
व्यक्तियों पर इसका प्रयोग किया है और जो परिणाम हमारे सामने आए हैं वे आश्चर्यजनक हैं। उनके बुढ़ापे के चिन्ह हमेशा हमेशा के लिए मिट गए, शरीर की कांति और चेहरा 25 वर्ष के युवक जैसा हो गया और 6 महीने बाद भी उसमें किसी प्रकार की कमी या न्यूनता अथवा क्षरण अनुभव नहीं हुआ। वस्तुतः आज के युग में यह आश्चर्यजनक जड़ी मानव समाज को प्राप्त हुई है जिसका इतिहास आध्यात्मिक लंबा और गौरवमय रहा है। यह एक ही जड़ी उस अमृत कलश की तरह है जिसे पीकर देवता सही अर्थों में अजर अमर बन सके हैं और इस 20वीं शताब्दी में भी इस अमृत घट की खोज से पूरे संसार को अमरत्व प्रदान किया जा सकेगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।